प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो अंकों वाली संख्याओं के वर्ग। हम लोग आसानी से कैसे ज्ञात करेंगे, ये आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। वर्ग के बारे में आप लोग पहले से ही परिचित है। वर्ग को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। वर्ग का मतलब होता है एक ही संख्या को हम लोग अगर उसी से दोबारा गुना कर दें, मतलब स्वयं से अगर एक ही संख्या को गुना करते हैं तो उसमें जो प्राप्त परिणाम आते हैं वो वर्ग होता है। जैसे 5 का वर्ग मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5। 5 को ही हम लोग 5 से दोबारा अगर गुना करते हैं तो जो उत्तर प्राप्त होता है 25, ये हो गया 5 का वर्ग। 5 का वर्ग हो गया 25, ये आप लोग पहले से ही जानते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे दो अंकों वाली संख्याओं के वर्ग, 2 डिजिट वाले जो नंबर होते हैं उसका वर्ग हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे 25 का वर्ग अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसके लिए हम लोग जो साधारण विधि है कि 25 को 25 से हम लोग गुना करते हैं और गुना करने में हम लोग को बहुत अधिक समय लग जाता है, तो हम लोग कम समय में कैसे इसका वर्ग ज्ञात करेंगे और मौखिक भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। अब इसी का प्रयोग करके हम लोग मौखिक रूप से दो अंकों वाली संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। जैसे हम लोग 25 को ही ले लेते हैं, 25 का स्क्वायर अगर करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इस 2 को मान लेना है ए और इस 5 को मान लेना है बी। तो हम लोग को पहले ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर बीच में ट्वाइस ए बी मतलब 2 इंटू ए और बी को हम लोग गुना कर देना है, 2 और 5 को 7 में गुना कर दिया और लास्ट में हो गया बी स्क्वायर में 5 का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ हो गया 2 5 10, 10 का 2 गुना कर देंगे तो 20 और ये हो गया 5 का स्क्वायर 25। अब हम लोग को क्या करना है, इस 25 का 5 को हम लोग को नीचे ले लेना है, ये उत्तर का एक अंश हो गया और ये जो 2 है ये आकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो हो गया 22। फिर क्या करेंगे, इस 2 को ले लेंगे यहाँ पर, ये उत्तर का एक पार्ट हो गया और ये जो 2 है इसको ले जाएंगे यहाँ पर और जोड़ देंगे तो ये हो गया 6। तो इस तरह से हम लोग का उत्तर प्राप्त हो गया 6, यहाँ 2 और यहाँ 5, तो 625, ये हो गया 25 का वर्ग, 625, ये हम लोग सीख गए। अब इसी को हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते हैं। जैसे हम लोग ले लिए 76 का अगर स्क्वायर करना है तो फिर वही पहले 7 का स्क्वायर कर देंगे, बीच में 2 इंटू कर देंगे, 7 और 6 को गुना कर देंगे और इस 6 को लास्ट में इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर ये लिख देंगे 7 का स्क्वायर हो गया 49, यहाँ गुना हो गया 2 7 14 6 84, यहाँ 6 का स्क्वायर हो गया 36। फिर यहाँ क्या करना है, इस 6 को ले लेंगे, आंसर में ये आ जाएगा, ये 3 यहाँ पर आके जुड़ गया तो हो गया 87। फिर इस 7 को हम लोग ले लेंगे, आंसर वाला पार्ट में आ जाएगा ये, और ये 8 को ही हम लोग जोड़ देंगे तो हो गया 57। ये हम लोग का आंसर आ गया, 76 का वर्ग हो गया 5776। तो ये हम लोग को लिखने में, ये आप लोग को दिखाने के लिए इतना लिखा गया। अब इसी चीज को हम लोग मौखिक रूप से कैसे करते हैं देखा दिखाते हैं, इसको हम लोग इतना लिखेंगे नहीं, अभी हम लोग मौखिक ही आंसर हम लोग का निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए 46 का स्क्वायर करना है तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, देखिए हम लोग को दाएं तरफ से चलना है, जो हम लोग इसका वर्ग लास्ट में कर रहे थे अंत में उसको ले लेंगे, पहले 6 का वर्ग कितना हो गया 36, तो 36 का 6 यहाँ ले लेंगे, हासिल हो जाएगा 3, इसको याद रखेंगे, इसको गुना करेंगे फिर से, बीच वाला जो पार्ट था हम लोग का ट्वाइस अभी जो था उसको हम लोग अभी कर रहे हैं,
गुणा कर देंगे 4 6 24, फिर इसको 2 से गुणा करना है 48 48, और ये जो 3 था हम लोग का हासिल में इसको ले लेंगे तो 48 और 3 हो गया 51 51, का 1 यहाँ पर आ गया, फिर हासिल हो गया 5। अब इसका वर्ग करेंगे 4 का, 4 4 16 16, और ये जो 5 था हम लोग का हासिल उसको जोड़ देंगे तो 16 5 हो गया 21। ये हम लोग का आंसर आ गया 46 का वर्ग 2116। इसी तरह हम लोग एक दूसरा उदाहरण भी लेते हैं, 75 का अगर वर्ग करना है, फिर वही 5 का वर्ग पहले कर लेंगे 25 25 का 5, हासिल हो गया 2, इसको याद रखेंगे हासिल 2, फिर बीच में गुना करेंगे 7 5 35, फिर इसको 2 से गुना कर देंगे 70 70, और हासिल 2 हो गया 72 72 का 2, फिर हासिल हो गया 7। अब इसका वर्ग कर देंगे 7 का वर्ग हो गया 49, और ये 7 जोड़ देंगे तो हो गया 56। ये उत्तर आ गया 75 का वर्ग 5625। तो ये जो प्रक्रिया है ये सिर्फ 2 अंकों वाली संख्याओं के वर्ग के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो हम लोग 11 से लेकर के 99 तक की संख्याओं को वर्ग करने के लिए इस विधि के हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो इतना ही हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग मौखिक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम लोग को गुणा और जोड़ में थोड़ा सा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, हम लोग को पहाड़ा जो है वो पूरा याद करना पड़ेगा, और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो धीरे धीरे आप लोग का दिमाग में इस तरह से बैठ जाएगा कि आप लोग आसानी से चंद मिनट में, सेकंड में, आप लोग 10 सेकंड के अंदर आप लोग इस कोई भी 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।